नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े पुण्य कर्म के बारे में बताऊंगा। ये एक ऐसा कर्म है, अगर आप इसको अपने जीवन में ढाल लो तो अपने जीवन में इसको एक हिस्सा बना लो तो आप सोच भी नहीं सकते कितने असीम फायदे, कितनी असीम उन्नति आपकी आत्मा को प्राप्त होती है। आत्मिक उन्नति तो आपकी बढ़ेगी ही, पर ईश्वर को पाने का आपका जो लक्ष्य है वो भी पूरा होता नजर आएगा। दोस्तों, ये कर्म है जानवरों की सेवा करने का, जानवरों को खिलाने पिलाने का, जानवरों की देखभाल करने का, जानवरों की दवाई कराने का, जानवरों को हर तरीके से वो सुख प्रदान करने का जो सुख हम इंसान भोगते हैं। दोस्तों, आप जब भी किसी भी जानवर की सेवा करने की बात सोचते हैं तो दिमाग में एक ही चीज आती होगी कि हमारी गली में जो कुत्ता है वो, या फिर हम किसी पक्षी को दाना डाल दें, या फिर मछलियों को जाके कुछ ना कुछ खिला दें। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत बड़ा वास्ट एनिमल किंगडम है जिसमें ना जाने कितने तरीके के जानवर हैं। और अगर आप जानवरों की परिस्थिति को देखो, जानवरों की लाइफ को देखो, तो उसमें इतना स्ट्रगल है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम अपने जीवन में जरा सी परेशानी आने पे, वो भी पैसे से रिलेटेड परेशानी आने पे व्याकुल हो जाते हैं, जबकि हमारे पास चाहे कोई कितना ही गरीब है, चाहे कोई कितना ही दुखी हालात में, पर इस तरीके का फिर भी हमारे पास सुख है कि हम अपने इस जिस्म के माध्यम से तरह तरह की सुख सुविधाओं को बटोर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, बढ़िया पक्के मकान में रह सकते हैं, तन पे कपड़ा पहन सकते हैं और जो मर्जी है खा सकते हैं। पर अगर आप जानवर की स्थिति को एनालाइज करें तो आप खुद सोचिए कि जो भी आत्माएं जानवर की योनि में घूम रही हैं, विचरण कर रही हैं, वो कितनी ज्यादा निम्न स्तर की योनि में घूम रही हैं। आप अपने आप को अगर इमेजिन करें कि आपको कहा जाए, आप एक दिन के लिए ही सही अपने चारों जो है पाँव पे चलो, दो पाँव तो आपके पीछे हैं, आपके दो हाथ हैं आगे, तो इन हाथों को भी पाँव बना लो और जो है जिस तरीके से जानवर चलता है उस तरीके से आप चलो। आपको कुछ भी खाना है जमीन पे तो अपने मुंह से उठा के उसे खाओ, चाहे जमीन पे गंदगी पड़ी हुई हो, चाहे वहाँ पे कितनी कीचड़ लगी हुई हो, चाहे कुछ ही हो, जो भी आपने खाना है वो आपने मुंह से खाना है। वो भी अगर आप जंगल में अगर आपको छोड़ दिया जाए तो पेड़ पौधे खाने हैं, या फिर आपको शिकार करना है तो किसी जानवर को पकड़ना है, अपने नखून गड़ा के मुंह से ही फाड़ के खाना है। और अगर आप गली में घूम रहे हो शहरों में, तो जो इंसान जमीन पर डाल देगा बिस्किट रोटी सूखी हुई, वो आपको अपने मुंह से तोड़नी है ना। आप सर्दी आने पे आपके पास कोई कंबल है ना रजाई है, ना आपके पास मखमल की टाट है, ना आपके पास कोई गद्दे हैं, ना आपके पास कोई तकिया है। जो हार्ड जमीन है वो गर्मी में भी, जो तपरी जमीन है उस पर भी आपको लेटना है, जो ठंड में जमीन ठंडी हुई हुई है उस पर भी आपको लेटना है। अगर आपको कोई काट लेता है, आपको कोई बीमारी हो जाती है, आपको कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी इलाज और दवा दारू कराने वाला भी कोई नहीं है। उसी दर्द में, उसी पीड़ा में आपको करहते रहना है और अपना वक्त बिताना है मौत तक का इंतजार करते हुए। सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। और यहाँ तो खाली सिर्फ मैंने एक दिन की बात की थी। और इन जानवरों को आप देखिए, चाहे आप किसी योनि के जानवर देख लीजिए, चाहे वो पानी में विचरण करने वाले हों, चाहे वो धरती पे विचरण करने वाले हों, चाहे आकाश में उड़ने वाले हों, उन सब की नियति कितनी ज्यादा दयनीय है। हर जानवर अपने मुंह से चुग्गा ले रहा है, हर जानवर किसी न किसी जानवर को मार के संघर्ष करके अपना जीवन बिता रहा है, और जो शाकाहारी हैं वो पेड़ पौधे खा रहे हैं। अगर उन्हें कोई चोट पैट लगती है तो उनका इलाज कराने वाला कोई नहीं है, अगर कोई उन्हें मारता है तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। अगर वो किसी इंसान की गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, किसी भी तरीके से इंसान द्वारा प्रताड़ित होते हैं, तो उनको उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उनको चोट लग जाती है तो इलाज कहाँ से उनका हो, उनकी प्रसव पीड़ा में भी उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। सोने के लिए उनको वो ही मिलता है जो हार्ड जमीन है और खुला आकाश है, खाने के लिए कोई पका हुआ खाना नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि कितनी गंभीर इनकी जिंदगी है, कितनी ज्यादा, मतलब सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये वो आत्माएं होती हैं बेसिकली जो अपना कर्मफल भोग रही होती हैं इस धरती पे, जो अपने पापों की सजा भोग रही होती है, जब ही वो मनुष्य योनि
की बजाय जानवर की योनि में जाती है, पशुओं की योनि में जाती है, जलचरों की योनि में जाती है, रेंगने वाले जीवों की योनि में जाती है। और यही इनका प्रारब्ध होता है कि आप जो भी अपना पीरियड ऑफ लाइफ है वो इस तरीके के कष्ट को भोगो कि मतलब जो इंसान सोच भी नहीं सकता। पर जो ईश्वर है वो दया का सागर है, ये भी हम मानते हैं। वो हर तरीके से अपने बनाए हुए जो जीव हैं उनकी मदद करना चाहता है, उनकी हेल्प करना चाहता है। इसीलिए आपने देखा होगा, हर ग्रंथ में देखा होगा, हर तरीके से आप अपने किसी भी आप धर्म के हैं, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे, माइथोलॉजिकल टेल्स में देखेंगे, या कहीं भी देखेंगे, या कोई प्रवचन भी सुनेंगे, ये जरूर कहा जाता है कि आप इन जीवों की सेवा करो, जानवरों की ह्यूमैनिटी करो। और आप अगर किसी ग्रंथ का भी सहारा ना लो, किसी रिलीजन का भी सहारा ना लो, तो अपनी कॉन्शियस को अगर आप टटोलो, अपने अंतरात्मा को टटोलो और इनकी जो दयनीय अवस्था है उसको एनालाइज करो, तो क्या आपका मन नहीं करेगा कि हम इनकी मदद करें? अगर किसी जानवर को चोट लगती है, वो करहा रहा है, तो हम उसको पट्टी कराएं, उसको दवाई करवाएं। अगर कोई जानवर भूखा है, उसकी अंतड़ियां निकली हुई है, जैसे आप अक्सर देखते होंगे गाय घूम रही है, अंतड़ियां निकली हुई है, सूखी पड़ी हुई है, कुत्ते हैं गली में जो है घूम रहे हैं भूखे प्यासे बेचारे, उनको हर वक्त कोई ना कोई लाठी मार रहा है, कभी कुछ मार रहा है, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, पैर टूट जाता है, उसी लंगड़े पैर से चल रहे हैं। पक्षी हैं जहाँ इतनी कोसों दूर उड़ के जाते हैं दो चुगे दाने के लिए, मछलियां हैं बेदर्दी से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, काटा जा रहा है, तो कोई अपने आप को बचा नहीं सकता, किसी भी तरीके से अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकते, असहाय हैं, निर्भर हैं मानव के ऊपर के मानव जो चाहे उनके साथ कर सकता है। तो ऐसी जीवों की अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और इनकी मदद करेंगे, इनकी लाइफ का जो पीरियड है, जो सजाएं भोग रहे हैं, इसको अगर आप एक तरीके से यूँ कह लीजिए, इनका जो पीरियड ऑफ लिविंग है, अगर आप उसको आसान करने की कोशिश करेंगे, उसमें इनको थोड़ा बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो इससे बड़ा परोपकार, इससे बड़ा अच्छा कर्म, इससे बड़ा पुण्य कर्म कोई नहीं है इस दुनिया में। और मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा मानता हूँ, मैंने खुद अपने जीवन में एनालाइज किया है। आप इंसान की मदद करोगे, इंसान को खिलाओगे पिलाओगे, वो मिनट में नाशुकरा हो जाएगा, आपको चार बात सुना देगा, या ये मन में धारणा कर लेगा कि इसका कोई मतलब होगा जब ही हमारे लिए कर रहा है। आप किसी इंसान को पहनाओगे उड़ाओगे कुछ भी करोगे तो उसके दिमाग में सेकंड थॉट चली जाएगी कि मेरे लिए क्यों कर रहा है। पर जो जानवर है वो हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा, हमेशा उस चीज़ को एक्नॉलेज करेगा। आप घर में कुत्ता भी पालते हैं तो दिन रात वो आपके आगे पीछे घूमता है, आपके लिए भौंकता है, जितना आप खिलाते हैं उससे ज़्यादा की आपको सेवा करके देता है। तो जितने भी जानवर होते हैं इस दुनिया में, उनको इस हद तक उनकी कॉन्शियस हाई होती है, वो हर तरीके से इस चीज़ को रियलाइज़ उन्हें होता है कि क्या वो पीरियड अपना साइकिल काट रहे हैं, किस तरीके की यातना सजा भोग रहे हैं। और उसमें हम ह्यूमंस एड ऑन कर देते हैं, उनको मार के काट के, उनको बर्बरता से दुख पहुंचा के, कभी उनके खाल के लिए, कभी उनकी बॉडी में से प्रोटीन निकालने के लिए, कभी अपने खुद के जीभ के लालच के लिए। जो पहले ही सताए हुए असहाय हैं उनको हम और सताते हैं, तो आप खुद देखिए कि कितना बड़ा हीन, कितना बड़ा दुष्कर्म हम कर रहे हैं। और ऐसी तादाद बहुत से लोगों की है, चाहे मैं कितने लोगों को समझाऊं फिर भी ऐसे बहुत हैं जिन अपनी जीभ पे जो खून और हड्डी और मांस का स्वाद उनके चढ़ा हुआ है, जो वहशीपना उनके अंदर आया हुआ है, वो नहीं छोड़ सकते। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हों जो इन लोगों को बचाते हैं, इनकी मदद करते हैं। अब आपको करना क्या है, आप कर क्या सकते हैं? आप कर ये सकते हैं कि आप प्रण ले लीजिए, जो भी आपसे जितना बन पड़ता है, आपकी गली में स्ट्रे डॉग्स घूम रहे हैं उनको फीड करना शुरू कर दीजिए, आप कहीं पे कोई भी जानवर देखते हैं उसको चोट लगी हुई है, बीमार है, अपने यहाँ कॉरपोरेशन में फ़ोन कर दीजिए, वहाँ से आ जाएंगे, उसको ले जाएंगे, उसका इलाज करा देंगे, उसको दवाई करवा देंगे, या आपकी अगर बस की है तो उसको ले जाइए, उसकी दवाई करा दीजिए। और कुछ नहीं तो आप बेसिकली जहाँ भी इस तरीके के जानवर हैं, बंदर हैं, कोई भी जानवर इकट्ठे होते हैं कहीं भी आपको दिखते हैं, अपने पास कुछ ना कुछ ईटेबल रखिए, नहीं है खरीद के उनको दे दीजिए। तो आप थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन इनकी लाइफ को बेटर करने के लिए करेंगे तो आप
सोच भी नहीं सकते कितने कमाल की आपकी आत्मिक उन्नति होगी। अब अगर कुछ लोग इसको मॉनेटरी फायदे से अटैच करेंगे कि हम अगर ये करते हैं तो हमें पैसे में फायदा हो या और चीज़ में फायदा हो, तो वो नहीं होगा, वो सब आपकी किस्मत के ऊपर है। ये कर्म है आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, ताकि आप ईश्वर के करीब हो सको। अब जो लोग ईश्वर के करीब नहीं होना चाहते, पैसे के करीब होना चाहते हैं, उन लोगों को शायद ये उपाय ना पसंद आए, क्योंकि वो ऐसे ही उपाय ढूंढते हैं कि एक रात में धन वर्षा, ये चीज़ यहाँ रख दो तो इतने लाखों आ जाएंगे, ये अभी कर दो पैसा बरसेगा ही बरसेगा, इस तरीके की बकवास यूट्यूब पे वो सर्च करते हैं, क्योंकि उनका एक ही मोटिव है कि सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा अपने ऊपर खर्च करना है, दूसरों को नीचा दिखाना है, दूसरों की बेइज्जती करनी है, मेरे को इससे बदला लेना है, उससे लेना है, वही उनके दिमाग में चलता रहता है। जलन, ईर्ष्या, ईगो, हवस, लालच, लोभ, यही उनकी पूरी पर्सनालिटी है। तो वो लोग इस उपाय को शायद पसंद ना करें। ये उपाय सिर्फ उन लोगों के लिए जो ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं, क्योंकि जब जब आप भगवान के बनाए हुए जीवों की सेवा करोगे, उनकी मदद करोगे, खासकर उनके इतने हार्ड टाइम में, तो क्या भगवान आपकी नहीं सुनेगा? क्या उस कर्म फल का जो रिजल्ट है पॉजिटिव नहीं होगा? क्या आपको फायदा नहीं मिलेगा? और एक मिनट के लिए आप फायदा नुकसान मत देखो, आप कुछ तो बेटर कर ही रहे हो। अगर आप किसी भूखे पेट में, आप खुद इमेजिन करो, अगर आप किसी डॉग की जिंदगी को भी एनालाइज करो, स्ट्रे डॉग की, सुबह से लेके रात तक, अभी तो खैर सर्दियां आने को है, आप अगर गर्मी का टाइम में रियलाइज करो, तपती रोड होती है, तपती जमीन होती है, जहां आप बिना चप्पल के पाँव नहीं धर सकते, और वो बेचारा पूरी उस तपती जमीन पे भागता है, चलता है, ना उसको पानी है, गला उसका सूख जाता होगा। आप 2 मिनट भी आप गर्मी से आते हो, तुरंत अंदर आके ठंडा पीते हो, कैंबा पीते हो, और उसका गला कितना सूख जाता होगा बिना पानी के। खाने को आपको बढ़िया रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, उसको तो जो सूखी कैड़ी रोटी मिल जाए उसी से गुजारा कर रहा है, या अपना मुंह कूड़े में डाल के कूड़ा चुग रहा है, चाहे उस कूड़े में कांच पड़े हो, चाहे उसमें कोई नीडल पड़ी हो, चाहे इंजेक्शन पड़ा हो, चाहे उसमें बीमार करने वाला खाना पड़ा हो, तो कितनी ज्यादा, मतलब आप इमेजिन क्या कर सकते हो कि मतलब कि ऐसा जीवन है ये। अगर ऐसे उसके इतने दर्दनाक जीवन में, इतने संघर्षपूर्ण जीवन में आप उसको रोज का दिन का एक टाइम का खाना देना शुरू कर दो, या उसके लिए एक पानी का बाउल बाहर रख दो और उस रेगुलर बेसिस पे उसको वहीं पे खाना दो, और वो अपने आप आने लगेगा, तो आप खुद सोचिए उसको कितनी मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप कंट्रीब्यूशन हर जानवर के लिए कर सकते हो, चाहे वो बिल्ली है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो सुअर है, चाहे वो हाथी है, डोंट डिफरेंशिएट इनटू एनिमल्स के ये जानवर की हम सेवा करेंगे, इसकी नहीं करेंगे, ये काटा जाना है, ये रखा जाना है, ये पूजा करने लायक है, ये पूजा करने लायक नहीं है। एक गली में घूमने वाला सुअर है ना, वो भी, उसमें भी आत्मा है ईश्वर की, उसमें भी भगवान है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी जब चोट लगती है वो भी कराहता है, रोता है, उसको भी जो है भूख लगती है, प्यास लगती है, वो भी बेचारा उस यूनिक में उस संघर्ष को जी रहा है। तो जो भी जीव है, एक्स वाई जेड व्हाटएवर जो भी है, जितना आपसे हो सके जानवरों की मदद करो। आप को अपने यहाँ नहीं मिलते हैं, एनजीओज में जाओ जो एनिमल फाउंडेशंस के ऊपर बेस्ड हैं, जो एनिमल्स के लिए करते हैं सारा बेसिकली काम, वहाँ दवाइयाँ दे आओ, वहाँ पे उनकी केयर के लिए कपड़े दे आओ, मतलब कंबल दे आओ, जो मर्जी आपसे हो सके आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। और ये अपने जीवन का लक्ष्य बना लो कि जब तक हमारा जीवन है हमने कुछ ना कुछ करना है, करते रहना। इट्स नॉट कि ये कोई वन टाइम रेमेडी नहीं है। अगर आप इसको एक रेमेडी की तरह लोगे, एक उपाय की तरह लोगे कि कर लिया खत्म छुट्टी हुआ, तो फिर आप किसी भी तरीके से भगवान के करीब जाने वाला काम नहीं कर रहे हो। हम अपने पेट में भी तो रोटी खाते हैं, तीनों टाइम रोटी खाते हैं, उसके बाद सुबह उस चीज को जीरो करके आ जाते हैं। तो अगर हम अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा इनके निमित्त कर दें तो आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप इस महादान को, इस महा उपाय को अपने जीवन में ऐसे उतार लीजिए कि जैसे आपका रोज का ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। और जब तक आप जिएंगे 50 साल, 60 साल, 80 साल, जब तक, आप खुद सोचिए कितनी सैकड़ों बार, कितने सैकड़ों जानवरों को आप भला कर चुके होंगे। तो अगर आपको
इस बात को आप कोई भी ज़रा भी आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई हो ये बातें सुन के, तो गौर फरमाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस महा उपाय को, और आप खुद देखेंगे कि आप किस हद तक भगवान से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो। तो आपको आज की बात पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी लोग इस चीज़ को समझें और रियलाइज़ करें इस लाइफ के मकसद को। हमारा इस लाइफ को पाना एक बहुत बड़ा, हमें ईश्वर ने चांस दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दी है, और हमें इसको वेस्ट नहीं करना दोस्तों। हमें अच्छे कर्म करने हैं, इतने अच्छे कर्म करने हैं कि ईश्वर कंपेल हो जाए हमारे पास आने के लिए, हमें अपने पास बुलाने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।